नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारी इस खास मुलाकात में हमारे साथ हैं बिंध के चितेरे गायक, लोगों के मन में बसने वाले गायक या फिर भजनों के माध्यम से आनंदित करने वाले गायक शशिकांत तिवारी जी। शशिकांत तिवारी जी के बारे में बात करें तो इनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा इनका स्वयं का अभ्यास ही रहा है और उसी अभ्यास की बदौलत ये मंचों के माध्यम से लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुए, लोगों के माध्यम से काफ़ी सुने जाते हैं और प्रशंसा के पात्र बनते हैं। आज इनसे इनके संगीत के सफ़र के बारे में हम चर्चा करेंगे और कैसे इनके संगीत के सफ़र की शुरुआत हुई, क्या समस्याएं आईं, उनका समाधान कैसे इन्होंने किया और क्या भविष्य की संभावनाएं हैं, इन सारी चीज़ों की बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका द खबरदार न्यूज पर। स्वागत है अनुपम भैया, आपको भी होली की ढेर सारी बधाई, समस्त श्रोताओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब होली की चर्चा शुरू ही हो गई है, फागुन का महीना भी चल रहा है, तो फिर कोई एक होली से जुड़ा हुआ गीत की कोई कुछ पंक्तियां जो तो हमारे दर्शकों को आपके द्वारा प्रेषित की जानी चाहिए। होली की गीत तो बहुत सारी गाई जाती है हमारे क्षेत्र में और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे रीवा में हैं। रीवा राजघराना ही जो है, रीवा संगीत ही एक अलग अनूठी संगीत मानी जाती है। और होली गीत बस एक लाइन में गुनगुनाना चाहूँगा, होली खेले रघुवीरा अवध माँ, होली खेले रघुवीरा। क्योंकि जब रघुवीर जी हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी खेलेंगे तो उनके साथ में समस्त श्रोता भी खेलेंगे और हम सभी खेलेंगे जी। तो होली के गीत से आपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। अब बात करते हैं इस संगीत के सफ़र की जी। संगीत की शिक्षा दीक्षा जो आपका अभ्यास रहा, जो आपके संगीत के गुरु रहे जी, तो इस पृष्ठभूमि के बारे में, अपने सफ़र के बारे में कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहिए। देखिए, सबसे बड़े गुरु तो हमारे पिताश्री हैं स्वर्गीय पंडित श्री रामदास तिवारी, जिन्होंने अपने संगीत, अपनी आवाज़ के दम पे हमारे बिंध क्षेत्र में अपना नाम बढ़ाया, हमारे क्षेत्र का नाम बढ़ाया। तो सबसे पहले तो मैं उनके दिवंगत आत्मा, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन पर मिला तो बहुत कम समय हमको, लेकिन जो कुछ भी मिला तो उन्हीं के मार्गदर्शन पर हमने अपने संगीत को आगे बढ़ाया। और बहुत कम दिनों की हमारी संगीत लाइन की ये यात्रा है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे क्षेत्र के श्रोताओं ने हमको प्यार दिया है, मैं समस्त श्रोताओं को ढेर सारी बधाई, ढेर सारा प्यार, दिल से प्यार करना चाहूँगा और ढेर सारी शुभकामनाएँ होली की देना चाहूँगा समस्त श्रोताओं को, अपने विशेषकर हमारे जो समर्थक हैं। और आपको भी ढेर सारी बधाई, क्योंकि आपने हमारी आवाज़ पूरे बिंद में क्या, पूरे प्रदेश में, देश में बढ़ाया है। बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। आपने पिताजी की बात की, पिताजी की पृष्ठभूमि रही, आप गीत संगीत में आए जी। जो आपका परिवार है जी, आप भी बचपन में रामलीला से जुड़े हुए हैं जी, हालांकि वर्तमान में आप मंचों के माध्यम से संगीत की प्रस्तुतियाँ देते हैं जी, लोगों के यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं काफ़ी प्रचलित हैं जी। जो रामलीला का सफ़र रहा जी, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन की एक पृष्ठभूमि का निर्माण करता है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रामलीला से जुड़ी हुई रही जी। आप बचपन में लक्ष्मण का रोल करते रहे हैं, आपके बड़े भाई राम का रोल करते रहे हैं जी, तो वहाँ से इस सफ़र के लिए कितनी प्रेरणा मिलती है? बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमारी भजन लाइन जो शुरुआत मिली है तो रामलीला से ही शुरुआत हुई, क्योंकि रामलीला में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार रहते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मंच तो छोटा होता है लेकिन कलाकार बहुत बड़े बड़े होते हैं और हमारे बड़े पिताजी पंडित राम दिनेश तिवारी जी बहुत अच्छे तबल के वादक थे, हमारे पिताजी बहुत अच्छे ब्यास माने जाते हैं पंडित राम दिनेश तिवारी जी, और हमारे बड़े भैया भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, वर्तमान में वो भी बहुत अच्छी व्यास गद्दी करते हैं रामलीला में। तो इस तरह से हमारी मतलब जो पूरी फैमिली है तो संगीत से जुड़ी है हुई है और उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली, उन्हीं से मैं संगीत सीखा और फिर जो कुछ रुचि बढ़ने पर मैंने अलग से संगीत सीखा, तो वो हमारे मऊगंज में
हमारे शिवानंद प्यासी जी गुरु जी महाराज हैं, उनसे मैंने संगीत की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। अब वर्तमान में संगीत कार्यक्रमों के अतिरिक्त आप क्या कार्य करते हैं? मैं तो हमारा प्रमुख उद्देश्य भगवान की सेवा करना, वही संगीत के माध्यम से ही, और उसके बाद कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी और खेती का काम भी चलता है अपने यहाँ जी। तो सारी चीज़ें जीवन में एक संयोजन के साथ, एक समन्वय के साथ करने का प्रयास जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रामलीला से बचपन से जुड़ी हुई कोई याद जो कई बार याद आती हो और मन में हंसी आ जाती हो अचानक से, कुछ ऐसे अनुभव रामलीला से, जो अनुभव ऐसे कुछ रहे? देखिए, रामलीला तो ऐसी चीज है कि उसमें हर प्रकार के जीवन के आचरण में लाने वाली हर चीज़ मिलती है। तो हंसी ही क्या, वहाँ तो बहुत सारी ऐसी शिक्षा मिलती है जिसको हम लोग अपने अगर जीवन में उतारते हैं तो शायद बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। क्या रोल करते थे? मैं तो लक्ष्मण बनता था पहले। कितनी उम्र से शुरुआत कर? मैंने तो लगभग 12-13 साल की उम्र से शुरू किया। 12-13 साल जी, जब पहली बार आपने जी लक्ष्मण का जी, हाँ जी। और अब आपके बड़े भाई जी राम का रोल करते थे उसमें? जी जी हाँ, हम दोनों भाई राम लक्ष्मण बनते थे जी। जब रामलीला करते थे, दर्शकों का जो प्यार मिलता था तो कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था, और वही प्यार तो हमको संगीत लाइन में लाया जी जी। और उसी प्यार के लिए कहीं ना कहीं एक कलाकार की जो ताकत होती है वो दर्शकों से मिलने वाली तालियां ही कही जा सकती बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि धन है, पैसे हैं, ये सारी चीज़ें तो आती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन जो सम्मान मिलता है वही सम्मान का प्यासा एक कलाकार होता है जी। वर्तमान में अगर आपकी बात करें, किसी गीत की कुछ सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, तो हम चाहेंगे कि मुझसे कोई बहुत बहुत बड़ा गायक तो हूँ नहीं, बहुत बड़ी गीतों की संख्या हमारे पास नहीं है, कुछ गीत हैं, लेकिन सबसे प्रिय हमारी गीत और जो हमारे जीवन में उसको मैं अपने आचरण में ढालता हूँ, और एक हमारे मित्र हैं राजू जायसवाल जी, वो कहीं भी मिलते हैं तो इसी गीत की फरमाइश भी करते हैं, तो वही गीत मैं एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगा। नहीं, हम चाहेंगे कि 2-3 लाइनें गुनगुनाइए और वो हमारे दर्शक सुने। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस इतना ही। ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, आपके संगीत की साधना ऐसे ही अनवरत यात्रारत रहे, सफलता के मार्ग पर चलती रहे, ऐसी कामना, ऐसी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से आपको दी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ईश्वर करे कि आपकी ये संगीत की साधना अनवरत सफलता का मार्ग प्रशस्त करे और ठाकुर जी कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर, आपके ऊपर, आपके सारे दर्शकों के ऊपर। धन्यवाद आपको भी, ढेर सारी बधाई। आपका चैनल ऐसे ही प्रगति की ओर बढ़ता रहे, और मैं समस्त श्रोताओं से, देखने वालों से आग्रह करूंगा कि हमारे अनुपम भैया का सपोर्ट करें और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी, एक लोक गायक, बघेली के साथ साथ हिंदी भजनों को भी अपने मन में रचा बसा चुके हैं और मंचों के माध्यम से दर्शकों को भगवान की पूजा से, उनकी साधना, उनकी आस्था से जोड़ने का एक अभूतपूर्व, एक अलौकिक कार्य करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही किसी कलाकार, ऐसे ही लोक जीवन से जुड़े हुए किसी चितेरे कलाकार से आपको मिलाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।